सोच अपनी अपनी पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ को देखिए। यह चित्र पाठ है। इस पाठ का नाम सोच अपनी अपनी है। तो बच्चों, सोच अपनी अपनी का अर्थ होता है कि पोत पोतानो विचार। सोच इतले विचार। तो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में घर, मंदिर, सूरज, पर्वत, पेड़, चरवाहा, किसान, कुत्ता, पक्षी, तितलियाँ, बच्चे आदि दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, यह प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। हमें पर्वतों के पीछे उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, यानी सुबह हो गई है, सूर्योदय हो चुका है। आकाश में हमें पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। हमें इस चित्र में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पक्षी दिखाई दे रहे है। इस चित्र में एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 घर भी दिखाई दे रहे है। 2 नारियल के पेड़ भी दिखाई दे रहे है। उसके अलावा और भी कई पेड़ दिखाई दे रहे है। इस चित्र में चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने के लिए निकल पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में हमें एक लकड़ी भी दिखाई दे रही है। सड़क ऊपर एक किसान अपने खेत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में भी एक लकड़ी है। उसके पीछे हमें एक कुत्ता भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वह कुत्ता सोच रहा होगा कि मुझे हड्डी कहाँ मिलेगी। वह सोचता होगा कि मैं इस आदमी के साथ जाऊँ या नहीं, आदि सोच रहा होगा। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य दिखाई दे रहा है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे है। एक लड़का है और 2 लड़कियां है। तीनों बच्चे रंग बिरंगी तितलियाँ के पीछे दौड़ रहे है। वह तितलियाँ पकड़ने का प्रयत्न कर रहे है। तो बच्चों, यह प्रकृति की गोद में बसा गांव का दृश्य बड़ा ही मनभावक लगता है। तो बच्चों, आपको यह चित्रपाठ समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरे वीडियो में इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे।